कुसुम नेवर स्मोक्ड। लंग कैंसर कैन हैपन टू एनीवन हु हैज लंग्स। दिस स्टोरी इज ऑफ लव, होप एंड करेज। दिस स्टोरी इज फ्रॉम 6 months to 7 years। मैं और कुसुम मार्केट में थे तो कुसुम को इधर यहाँ पे इधर ट्विचिंग हुआ है और मैंने बोला कि ये क्या है, तो उसने तो होता रहता है। हॉस्पिटल में हमने अपॉइंटमेंट लिया तो उनको ब्रेन में 6 नोड्यूल्स मिले, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रेन ट्यूबरकुलोमा है। तो पहले वालों ने माइग्रेन बोला था, दैट वाज फर्स्ट रॉन्ग डायग्नोसिस। दूसरे में हमें पता चला कि ब्रेन टीबी है, एंड देन शी गॉट इन एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड वो इट वाज अ पेनफुल ट्रीटमेंट। जो 6 नोड्यूल्स वो 10 हो गए, एंड देन ही सेड समथिंग इज रॉन्ग। देन वी केम टू नो नो इट इज एक्चुअली लंग कैंसर, स्टेज 4 लंग कैंसर व्हिच इज ऑलरेडी मेटास्टेटिक टू ब्रेन, जो ब्रेन में ऑलरेडी फैल चुका है। एंड वी वर लाइक सन बिकॉज कुसुम नेवर स्मोक्ड। हमारी फैमिली में किसी ने स्मोकिंग नहीं की थी। हमें पता लगता था कि स्मोकिंग जो करते हैं सिर्फ लंग कैंसर उनको होता है। कुसुम हु आस्क्ड डॉक्टर कि मेरे पास कितना टाइम है, एंड आई वॉज नॉट रेडी पर्सनली, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। कैंसर का दूसरा नाम ही यू नो कई बार ऐसा लगता है कि डेथ इट्स अ बिग सी, एंड दे टोल्ड वेरी ऑनेस्टली यू हैव 6 months एंड इफ यू वुड बी वेरी वेरी लकी इट कुड बी 8 months ऑफ 1 year, बट देर इज नॉट ए सिंगल पेशेंट इन इंडिया हु सर्वाइव मोर देन दैट और दैट टाइप ऑफ लंग कैंसर जिसमें ऑलरेडी इतना फैल चुका है। वी वर नम एंड देन आई स्टार्टेड टू क्राई। तो कुसुम ने अपना हेड मेरे शोल्डर पर रखा एंड सी हमारे पास में तो रोना है ये, पर दूसरा है कि हमारे पास 6 months तो हैं, कांट वी फाइट क्या हम लड़ नहीं सकते। एंड दैट सेंटेंस चेंज विवेक फॉर एवर। ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसको रेडिएशन, ब्रेन रेडिएशन हुआ, फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, पर नवंबर एंड सी वेंट इन टू कोमा। तो कुसुम को एक वेरी रेयर लंग कैंसर था, दैट इज कॉल्ड EML4 एल्क लंग कैंसर। उसका टारगेटेड थेरेपी दैट इज ओरल कीमोथेरेपी टाइप मेडिसिन वो आई है, दैट इज वर्ल्ड फर्स्ट मेडिसिन, और वो US में कंडीशनल अप्रूवल उसको मिला था। उसकी कोशिश करी एंड विद इन 1 week वी गॉट दैट मेडिसिन। सी केम आउट ऑफ कोमा एंड थिंग्स स्टार्टेड टू वर्क वेल। बट कैंसर में ना खासतौर से स्टेज 4 कैंसर में एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि एक टाइम के बाद में मेडिसिन काम करना बंद कर लेती, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और उसके लंग में कैंसर प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया। कैंप काला हो काले हो गया उसका चेहरा एंड कैंसर प्रोग्रेस, कैंसर उसके लंग से फैलता हुआ उसके एब्डोमेन में चला गया, ओवरीज में, एडनेक्सियम। एंड वी केम टू नो दैट कि अगेन फिर एक वो फॉल्ट की सेकेंड जनरेशन फर्स्ट मेडिसिन जो है वो भी क्लिनिकल ट्रायल से जस्ट केम आउट इन US, बट थिंग्स हैव चेंज्ड बाय दैट टाइम। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल होने बंद हो गए, अब क्लिनिकल ट्रायल नहीं होंगे तो न्यू मेडिसिन आएगी कैसे। शार्क कंट्रीज की ओंकोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी गुड़गांव में, किसी 5-star होटल में। कुसुम स्टैंड अप एंड कुसुम ने बताया कि मेरी ये सिचुएशन है, मेडिसिन मिल नहीं रही है। एंड देन व्हेन शी सेड कि क्या मैं इंडियन हूँ, क्या ये मेरी गलती है, तो वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन हॉल फॉर मैनी मिनट्स एंड दैट थिंग्स चेंज। क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव हुआ एंड ऑन 31 December को कुसुम को एनरोल हुआ। कुसुम बिकेम द फर्स्ट पेशेंट टू गेट एनरोल इन इंडिया, बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेशेंट टू गेट दैट सेकेंड जनरेशन फर्स्ट मेडिसिन इन इंडिया। इट्स कैंसर, इट्स स्टेज 4 लंग कैंसर एंड उसको एवरी डे शी यूज टू हैव 4 to 5 लूज मोशंस एंड वोमिटिंग। इतना हो गया था कि ब्लीडिंग होने लगी थी। एट द टाइम ऑफ नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2016 शी गॉट पैरालिसिस अटैक। एंड फोन करने शुरू करे, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे डॉक्टर हो, हर जगह जाना स्टार्ट किया। फिर आई वेंट टू मीडिया,
जनवरी फर्स्ट वीक में वी केम टू नो दैट कि कुसुम के लिए पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और इंडिया में वो मेडिसिन आ रही है और कुसुम के लिए आ रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। और इतना मेडिसिन ने भी असर किया और कुसुम की हिम्मत ने भी कि 15 जनवरी 2017 को उसने मेडिसिन ली थी और सितंबर 2017 को पिंकेतन होती है दिल्ली में कैंसर पेशेंट, वुमेन कैंसर पेशेंट के लिए, जब तक कुसुम को 5 साल कंप्लीट हो गए थे एंड डेट वॉज ए रिकॉर्ड एंड एशिया रिकॉर्ड। ने बोला कि मैं दौड़ूंगा गाड़ी श्योर, और पैरालिसिस से का सफर वो उस मैराथन में दौड़ के हुआ जहाँ कुसुम ने that I am the patient, I am the lung cancer face, and if I can survive, and that was written on t-shirt, if I can survive, so can you. लंग कैंसर का इंडिया में एक भी एनजीओ नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक तो उसमें सर्वाइवल रेट नहीं है, दूसरा स्टिग्मा है। कुसुम एंड आई डिसाइडेड नो वी हैव टू फाइट, वी हैव अ सपोर्ट ग्रुप, वी गो वी स्पीक ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स लंग कैंसर एंड टू लेट पीपल नो दैट एनीवन हु हैज लंग कैन हैव लंग कैंसर, सो जस्ट अंडरस्टैंड स्टॉप द स्टिग्मा एंड लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन।